ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद, जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। अच्छा जी, पता ही नहीं लगा यार, 9:03 हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं टाइमर पे देख रहा हूँ कि अभी 1 मिनट रहता है, 2 मिनट रहते हैं वो, लेकिन मुझे उल्टी घड़ी चल रही थी, वो मुझे बता रही थी कि मैं 1-1.5 मिनट देर हो गई है मुझे। आई एम रियली सॉरी। आप ये आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरी स्टडी रूम का वो दूसरा हिस्सा है जो आपको नजर नहीं आता था, क्योंकि मैं पहले उस तरफ होता था। तो अभी मैंने एक वो एक साइंटिस्ट से बात की, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा होता है यार हारिस साहब की बैकग्राउंड बड़ी बोरिंग सी है। मैंने कहा ग्रीन स्क्रीन क्या लगानी, 2 नंबरी क्या करनी, तो इसको कमरे का एंगल ही थोड़ा ना मोड़ देता हूँ, तो ये हुआ। तो या ऊपर आप देख रहे हैं, काफी सारे मेरे जो ट्रॉफीज वगैरह क्रिकेट की पड़ी हुई हैं, वो 2 ऊपर मेरी एक्टिंग के अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये थोड़ी सी बुक्स इधर हैं, थोड़ी सी बुक्स मेरे दूसरे कमरे में हैं, थोड़ी सी बुक्स मेरी ऑडियो बुक्स हैं। तो बहरहाल दैट्स जस्ट मी, ये मेरी स्टडी रूम है। अच्छा जी, दोस्तों कल मैंने डॉक्टर सुजैना मेडमैन से बात की थी, पेलियंटोलॉजिस्ट है, पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू, मैंने ज्यादा लंबा, उन्होंने भी नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं था, मैं खींचना भी नहीं चाह रहा था ताकि लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर रहे, और उसके अंदर मैंने काफी सारी बातें की। आप उसको जरूर जाकर देखिए, अभी तक उसको पता नहीं व्यूज इतने नहीं मिल रहे उसको, जो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये व्यू अभी 1.3K सिर्फ हुए हैं, बड़ा जबरदस्त मजे का इंटरव्यू है, इसको जरूर जाके चेक करें, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बातें अभी और भी थी करने वाली, लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि जारी बात है 1 घंटे के अंदर अंदर रैप अप करना था, कुछ लोगों ने आके सवाल भी एंड में पूछे। अच्छा जी, किसी ने लिखा सो मेनी क्रिकेट स्टैच्यूज नहीं है, ट्रॉफीज है, स्टैच्यूज नहीं है, ये मेरी ट्रॉफीज है। No wonder Harris is Imran Khan's fanboy. You know, जब इमरान खान जब रिटायर हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था, तो मैंने इमरान खान को खेलते भी नहीं देखा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी मेमरीज हैं जो 92 के वर्ल्ड कप की है, उसके अलावा मुझे कोई मेमरीज नहीं है। उसके बाद ये जितनी मैंने वीडियोज देखी है बाद में देखी है। अच्छा जी, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा नजला हो गया। अच्छा जी, लिखा हुआ डू यू प्ले गिटार, यार ये गिटार ना सिर्फ शो के लिए है। वो कौन सी मूवी थी, क्या मूवी का नाम था, सलमान खान की, यार बड़ी मशहूर हुई थी वो मूवी, भाभी, उसके अंदर भाभी भी होती है, फिर सलमान खान माधुरी दीक्षित, सलमान खान का फेयर चल रहा होता है माधुरी दीक्षित के साथ, और माधुरी जो होती है, फिर माधुरी की शादी सलमान खान के भाई के साथ हो जाती है, क्योंकि सलमान खान की भाभी का देहांत हो जाता है। क्या नाम था यार उस मूवी का, बड़ी मशहूर थी यार, 96-97 की मूवी, तो उसके अंदर उसमें अभी कोई लिख देगा उस मूवी का क्या नाम था, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होता, उसकी बहुत बड़ी फोटो सलमान खान की दीवार के ऊपर लगी होती, तो वो कहती है कि ये बजाना भी आता है या बस ऐसे, हम आपके हैं कौन, दैट्स द वन, हम आपके हैं कौन, वो जिसके गाना भी याद आता, तो उसमें वो उससे पूछती है कि आपको बजाना भी आता है, कैसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो फिर वो जाहिर बात है वो हीरो है, हालांकि उसको बजाना बजाना नहीं आता था, गाना किसी और ने गाया होगा तो उसने गा के दिखाया, तो मेरा वही वाला हाल है, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ मुझे गिटार बजाना बजाना नहीं आता, मैंने कोशिश की थी थोड़ी सी थोड़ा सा, लेकिन आई लॉस्ट इंटरेस्ट। व्हिच वन इज योर फेवरेट बुक फ्रॉम योर बुकशेल्फ एट द बैक, यार मेरी जो फेवरेट बुक है बुकशेल्फ पे, अच्छा बुकशेल्फ में से, वैसे मेरी ऑडियो बुक्स में काफी सारी बुक्स हैं, एक उसमें बड़ी अच्छी बुक है वॉर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स नहीं वॉर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जितनी लेट 90s और 20th सेंचुरीज की वॉर्स है ना, उसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो बड़ी जबरदस्त बुक है। अच्छा, इसमें जो पढ़ी हुई यार ये कहना बड़ा मुश्किल है, नीचे आप देखेंगे अगर तो आपको वो ये इधर ये नहीं, ये सेपियंस पढ़ी हुई और इसके साथ ही होमोडेस भी पढ़ी हुई, और ये ऊपर काफी रिचर्ड डॉकिंस की भी पढ़ी हुई है, यार ये क्या है राइट लेफ्ट, ये रिचर्ड डॉकिंस की भी बुक्स है, एक ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे पढ़ी हुई है इधर मैजिक ऑफ रियलिटी, वो बड़ी अच्छी बुक है। अभी मैंने ये रास्पुटिन खत्म की है, आइवन द टेरिबल खत्म की है, और हाँ ये मैंने कहना था जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसमें नहीं गेमिंग कंसोल कोई नहीं है यार, गेमिंग कोई नहीं मेरे पास पढ़ी हुई,
श्रेडर है मेरा ख्याल, आपकी जिसके ऊपर नजर है, दैट्स द श्रेडर करके, जो मेरी सीक्रेट दस्तावेजात होती है ना, जो मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं यहूदियों से और इंडियन रॉ एजेंट्स जो मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भेजते हैं, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए ना मुझे करनी पड़ती है। अच्छा जी, मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।